सॉरी 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 सॉरी, नो 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 ऑडियो राइट. अब चेक कीजिए प्लीज, आई एम ऑडिबल, ये सुनो, आई एम ऑडिबल. सॉरी हो गया जी. सो आई एम ऑडिबल नाउ. एक बार सब लोग फटाफट लिख दीजिए, यस सर यू आर ऑडिबल. और सेशन हम फुल एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे, अमेजिंग अमेजिंग चीजें देखेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस नए तरीके से रेशियो की मदद से. फटाफट पहले शेयर कर दीजिए सो दैट मजा आ जाए सेशन के अंदर. जितना हो सके उतना करेंगे. स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट, TCS NQT वाले, 2024 बैच वाले, 23 वाले, सबके लिए, सबके लिए मतलब ए टू जेड प्लेसमेंट कॉम्पिटेटिव, सबके लिए सेशन बहुत बहुत जरूरी. सो फटाफट शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए फटाफट से. ठीक है, बुला लिया सब लोगों को, बुला लो फटाफट 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 बुला लीजिए क्योंकि लाइव हो गया है बहुत जल्दी. चलो जी, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जब तक सब लोग आ रहे हैं वापस से एनर्जी के साथ टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज का टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा. सबसे पहली बात, आप लोग को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, जो मैं आपको सिखाऊंगा बड़े अमेजिंग ट्रिक से सिखाऊंगा. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के. पहला फंडामेंटल आप ये ध्यान रखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, राइट. और बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि कोई भी वैल्यू आपके पास किलोमीटर पर आवर में आपके पास है, राइट. सो एक किलोमीटर में अगर मैं आपसे बोलूं कितने मीटर होते हैं, सो आप बोलोगे एक किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर. और मैं आपसे बोलूंगा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये सेकंड, राइट. इफ आई सॉल्व दिस, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कट्टम कट्टा किया, 2 से किया तो कितना हुआ 5, 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3. इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 6 × 3 कितना हो जाएगा 18. सो सेकेंड कंक्लूजन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी यूनिटरी मेथड आपके पास किलोमीटर पर आवर में आपके पास वैल्यू है और आपको उसको लाना है मीटर पर सेकेंड, मतलब छोटी यूनिट में लाना है, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, राइट. इसके अलावा रिवर्स चलेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड में है और आपको लाना है बड़े में, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर, किलो बड़ा, सो ऊपर ध्यान आएगा नंबर से उल्टा कर देंगे, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, राइट. ये बेसिक फंडामेंटल है. अब रेशियो क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे रेशियो का, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. बट पहले मैं टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड सो ऑन विल मूव अहेड, राइट. सो पहले आपसे उम्मीद करता हूं, बस आप पहले शेयर कर दो फटाफट जिससे ज्यादा स्टूडेंट आ जाए, क्योंकि सेशन मजा आएगा इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं. ठीक है जी, चलो. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा मैं आपके साथ, देखूंगा कितना आप लोगों को आता है, राइट. बेसिक से शुरुआत करूंगा, तो मैं अपनी टाइमर यहां पे ऑन कर लेता हूं, आप फटाफट शेयर कर दीजिए. यस और नो, रेडी एवरीवन, रेडी यस और नो तो लिख दो एक बार. प्रॉपर सत्या, कोटा शेफ, अवनी, यस और नो एक बार लिख दीजिए. सब रेडी है सेशन के अंदर, सब रेडी है. यस और नो, यस और नो गाइस, कम ऑन, लेट्स गो. या परफेक्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. जो मैं आपको दूंगा पहला, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा कि स्पीड इक्वल आपको मालूम होना चाहिए, स्पीड की जगह क्या रखना है, डिस्टेंस की जगह क्या रखना है, टाइम की जगह क्या रखना है, राइट. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी सेट द टाइमर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी सेट 40 और लेट्स से लेट मी सेट 50, लेट्स से 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले शेयर कर दीजिए लिंक फटाफट फटाफट, राइट. मजा आने वाले सेशन के अंदर. पहला क्वेश्चन, सो टाइम इज ऑलमोस्ट डन गाइस, क्या कर रहे हो जल्दी, कम ऑन. ओके, प्रॉपर ज्ञान का आंसर आया है ए. बाकी लोग का आंसर बेसिक क्वेश्चन है, अभी हल्के हल्के स्टार्ट करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे, ऐसे क्या चलेगा. ओके, एक आंसर मुझे मिला है प्रॉपर ज्ञान का, 36, मोहम्मद
परवेज का मिला है 36, टेक होम का मिला है ऑप्शन नंबर ए, शुवांश महतो का आंसर नंबर ए, सुवांशु का ए ऑप्शन, राइट। मजा आएगा गारंटी कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे 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 करके आओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे करके आओगे, सारे प्लेसमेंट स्मार्ट हायरिंग से लेके तुम कहीं भी पढ़ लेना, अगर ऐसा किसी मेरे कॉम्पिटिटर ने पढ़ा दिया, पढ़ाना छोड़ दूंगा, जो आगे तुम्हें ट्रिक दिखाऊंगा, रेशियोज की मदद से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें, पहला फंडामेंटल चलूंगा, राइट। सो हम सबको पता है कि स्पीड जो होती है वो इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपकी किसके बराबर होता है, टाइम के, राइट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले रीड करते हैं, बोलते हैं द व्हील ऑफ अ इंजन ऑफ अ ट्रेन इज इतना, एक एक बोलता है ये हमारे पास एक व्हील है, हमारे पास एक इंजन का व्हील है जिसका सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है आउटर, आउटर जो है वो 7 4 28 और 2 30 बाय 7 है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, अगर ये एक मेरे पास रबड़ बैंड है, राइट, रबड़ बैंड है, और मैंने यहां पे इसमें एक कट लगा दिया, रबड़ बैंड में क्या लगा दिया, कट, तो जैसे मैं इसे ओपन करूंगा इन दिस डायरेक्शन तो आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, ये सुनो, इसका मतलब अगर सर्कमफ्रेंस की बात करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, और इसका अगर आप देखोगे ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 7 into 4 कितना होता है 28 और 2, ये दे रखा है 30 divided by 7 meters, ये सुनो, ये डिस्टेंस मुझे 30 divided by 7 meter दे रखा है, ये एक रेवोल्यूशन का लिखा हुआ है, कह रहा है द व्हील ऑफ अ इंजन ऑफ अ ट्रेन इज 4 2 by 7 meter इन सर्कमफ्रेंस मेक 7 revolution। अब ये जो है ये 7 revolution लगाएगा ऐसे, तो इसका मतलब एक लगाएगा फिर दो फिर तीन ऐसे 7 बार लगाएगा, तो 30 divided by 7 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 7 क्योंकि 7 revolution लगाएगा, सो व्हेन आई मल्टीप्लाई तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, समझ गए। इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया कि जो टोटल डिस्टेंस यहां चला है वो कितना चला है 30 मीटर, यहां पे टोटल डिस्टेंस चला है, इज इट क्लियर। आगे आगे बोलता है जो टोटल नंबर 7 रेवोल्यूशन उसने लगाए हैं उसमें उसको 3 सेकंड लगे हैं, अगर 3 सेकंड लगे हैं सो आई हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 3 सेकंड, राइट, इसी से डिवाइड करूंगा तो मेरी स्पीड निकल जाएगी ट्रेन की, तो स्पीड का आंसर है किलोमीटर पर आवर, और मैंने आपको बताया कोई भी नंबर अगर मीटर पर सेकंड में होगा और आपको लाना है किलो, बड़ा बड़े में लाना है, तो क्या हो जाएगा 18 divided by 5 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, वेरी गुड। सो आंसर जो होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर विल बी माय करेक्ट आंसर, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर ए, यस और नो, 24 वाले गलत है, सबको समझ आया, एक बार हाय ना बोलो जल्दी से, हाय ना, सेशन बढ़िया होगा इसकी गारंटी मैं दे रहा आपको, तबाही सेशन होगा, ऐसी तरीके सिखाऊंगा ना आपको कि मजा आ जाएगा, तुम अभी सीख लो, गारंटी कह रहा हूं मजा आ जाएगा, बोलो यस और नो, समझ आया, परफेक्ट है, लेट्स मूव अहेड, ये बेसिक है, टाइप वाइज चलता हूं, पढ़ाने का तरीका देखना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे। अगला क्वेश्चन कहीं से पढ़ लेना, मजा यही आएगा, गारंटी कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन दूंगा तुम्हें 1 मिनट, देखते हैं कौन इसका आंसर सही सही बताता है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, लास्ट 1 सेकंड इज ओवर, राइट, सारे टाइप दिखाऊंगा, गारंटी कह रहा हूं तुम्हें मजा आएगा, पहले बताओ आंसर इसका कितना होगा, 3 hours 12 minutes, ऋतिक त्यागी ने बोला, दिनेश ने बोला 198 मिनट्स, ओके मुझे आर और मिनट में तोड़ के बताओ, जैसे मोहम्मद परवेज ने बोला 4 hours 42 minutes, मोहम्मद परवेज ने बोला 4 hours 42 minutes, ओके वेरी गुड, राइट, और बाकी पास 3 4 आंसर, यार ये काम नहीं चलेगा, 3 4 से काम नहीं चलेगा, 3 4 से आंसर से काम नहीं मिलेगा, आई वॉन्ट मोर आंसर, कम ऑन गाइस कम ऑन, ज्यादा आंसर दो भाई, मुझे 4 आंसर दे रहे हो मुझे,
है ना, एक सिंपल सा बच्चों वाला काम, छठी सातवीं तो सबने पढ़ा है ना, ये कोई नई चीज तो है नहीं, चाहे आप ग्रेजुएट हो कुछ भी हो। वैसे भी मार्केट थोड़ा अच्छा होने वाला है, उम्मीद है कि टीसीएस अभी बंपर हायरिंग निकालेगा, अगर रेडी हो गए तो हो जाओगे तुम फटाफट, राइट। विप्रो के लिए सारी वैकेंसी मुझे लग रहा है, हल्के हल्के मार्केट अच्छा हो रहा है तो आने वाली है वैकेंसी, बट तुम तैयार हो या नहीं हो वो चैलेंज होगा। सो मुझे आंसर बताओ, 3 आर 12 मिनट, 3 आर 12 मिनट, ये जो सारे कह रहे हैं 3 आर 12 मिनट, अगर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, फिर तुम देखना, 3 आर 12 मिनट नहीं हुआ ना, फिर देखना बेसिक फंडामेंटल स्पीड। बोलो जरा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी फाउंडेशन पे हूं, 1 2 3 4 ऐसे चलूंगा, गारंटी कह रहा है। इसके बाहर क्वेश्चन मिल गया, नाम बोल देना, रचित सर ने बोला था ये सेशन के अंदर आ जाओ, टीसी स्मार्ट हायरिंग का पेपर है सर, इसके बाहर आ गया क्वेश्चन, मान जाऊंगा तुम्हें, या एनक्यूटी के बाहर आ गया, गारंटी कह रहा तुम्हें। कह रहा है कि अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पहले ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक इंसान है जो वॉक कर रहा है, जिस अपनी स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। कहता है कि आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 6 मिनट। जैसे वो 1 किलोमीटर चला, उसे थकान लग गई, वो कहता है सर मुझे 6 मिनट का रेस्ट दे दो। जैसे सपोज मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, अब मैंने कहा हर क्वेश्चन के बाद, ध्यान सुनना, मैंने कहा हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें 6 मिनट का रेस्ट दूंगा, राइट। ध्यान सुनना, हाउ मच टाइम आर्स विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। उस इंसान को 18 किलोमीटर जाना है। पहली बात, जब भी आए, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, इसको ना गंथस करके लिख लेना मेरी बातों को। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम इसको बेसिक से समझो। अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर को बोलो पहाड़ में जा, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 6 मिनट। जब भी ये लाइन आती है ना, इसको बोलो भाड़ में जा, तेरा कोई यूज नहीं है, बस आप इसको बोलो भाड़ में जा, मेरे को यूज ही नहीं करना तेरे को भाई, तू रुके ना रुके मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपको इस लाइन को क्या कर देना है, आंखें बंद करके आप इस लाइन को भूल जाओ पहले, राइट। अब आप बोलोगे रचित सर पहले मुझे इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा। अब देखो, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, एक इंसान 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, बस इतना सा मुझे बता दो क्या होगा आंसर। तुम बोलोगे रचित सर तो बहुत आसान हो गया, अब डिस्टेंस जो जाने उस इंसान को 18 किलोमीटर जाना है, ये सुनो। और अगर आप देखोगे रचित सर उसकी स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब जो समय लगेगा वो 3 घंटे लगेंगे। तो आप इसे प्रैक्टिकली सबसे पहले ऐसे लिखो, रचित सर सबसे पहले जो इंसान को टाइम लगेगा वो लगेगा 3 आवर्स, और प्लस करके इसे छोड़ दो। पहले यहां तक समझ आया, यस सर ने बोलो, पहले 3 आवर्स लिखा, 3 आवर्स लिख दिया ऐसे, अब रुक जाओ, अब थम जाओ, राइट। 3 आवर्स लिखा, अब रुक जाओ, हाँ ऐसे आप रुक जाओ, 3 घंटे हो गए। अब देखो मजेदार, अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है रचित सर जो लाइन कट्टम कट्टी की ना उस पे आओ, क्या लाइन आपने ये वाली हटाई थी, ये क्या लिखा था इसको रीड करो। कहता है आफ्टर एवरी किलोमीटर, जैसे वो इंसान 1 किलोमीटर गया, सपोज तुम यहां से एक ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन है, ये जा रही है दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से ये जा रही है देहरादून, देहरादून क्योंकि क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूं, सो दिल्ली से गई, फिर यहां थोड़ी दूर चली 6 मिनट रुकी, फिर ये चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली और फिर रुक गई, है ना। अब यहां पे लिखा है आफ्टर एवरी किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर गई वो रुक गई, और उसको डिस्टेंस जाना है 18 किलोमीटर। भाई 18 किलोमीटर जाना है ना, तो तुम मुझे अंग्रेजों इतना बता दो, अगर मैं हर किलोमीटर के बाद रुक रहा हूं, 1 किलोमीटर क्या रुक गया, 1 किलोमीटर क्या रुक गया, मुझे 18 किलोमीटर जाना है, कितनी बार रुकूंगा, बस ये बताओ चैट बॉक्स में, ये बताओ कि अगर मुझे 18 किलोमीटर जाना है और हर घंटे में मैं रुकता हूं तो मैं कितनी बार रुकूंगा, चैट में जल्दी से ये बताओ, क्या मैं 18 बार रुकूंगा, 17 बार रुकूंगा, 19 बार रुकूंगा, कितनी बार रुकूंगा, ये बताओ जल्दी से चैट में, मुझे जल्दी से बताओ कितनी बार रुकूंगा मैं, 17 बार, वेरी गुड। अब यहाँ पे 18 मत बोलना, जिन्होंने 18 बोला उनका काम हो गया खराब, तुम 18 बार नहीं रुकोगे, तुम रुकोगे 17 बार। क्यों? क्योंकि सर लास्ट तो मेरी मंजिल आ गई ना देहरादून, वो तो मेरा घर ही है ना, मेरा घर ही है ना, तो वहां पे मैं वेट नहीं करूंगा। मतलब इस क्वेश्चन में गलती ये होती है कि बच्चा यहाँ 18 प्लस करके 18 बार रोक देता है। भैया दिमाग खराब तो नहीं होगा तुम्हारा, फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए ना तुम, तो 18 बार नहीं केवल कितनी बार रुकोगे, 17 बार, और हर बार तुम रुकोगे कितने मिनट, कितने मिनट रुकोगे बताओ जरा, 6 मिनट। अब इसको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कसम है तुम्हें, कसम है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वैलेंटाइन वैसे भी आने वाला है, फरवरी का महीना वैसे ही चल रहा है, राइट। सो जिससे भी तुम प्यार करते हो ना, इसको मल्टीप्लाई मत करना, बस इसको डिवाइडेड बाय यहीं पे स्टार्ट कर लेना, तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं होगी ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता। जैसे इसे करोगे तो 6 से कितना आ जाएगा, 10। अब इसको खोलोगे तो 10 से कितना आ जाएगा, 10 1 10, और ये हो गया कितना, 7। इस 1 वाले को ले आओगे इसके साथ तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 आवर्स, तो ये हो गया। अब ये प्लस का 7 बाय 10, मतलब 7 बाय 10 को इंटू कर दूंगा 60, तो 10 से कितना आ जाएगा, 6, 7 2 जा कितना हो गया, 42। तो राइट आंसर बनेगा 4 आवर 42 मिनट्स इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सागर, सागर जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सागर,
इन लोगों को भी समझाओ जरा, 4R 42 आया, ये पता नहीं 3R 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 क्या लिख रहे थे, समझ आया? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है, मैं एक एक टाइप तुम्हें समझा रहा हूँ, ये फाउंडेशन हो गया मेरा, मतलब स्पीड डिस्टेंस और टाइम का मैंने बेसिक बता दिया तुम्हें। मैं तुम्हें बहुत सारे टाइप दिखाऊंगा, सारे टाइप, प्रैक्टिस के लिए बाद में करेंगे, पहले सारे टाइप समझ लो। ये सुनो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड नाउ, राइट? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यहीं खत्म करेंगे और फिर चलेंगे बढ़िया क्वेश्चन। एक बार तुम शीट देख लो, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इतने सारे लाए हो, इतने सारे लाए हो, फिर आपके पास कॉन्स्टेंट टाइम वाले लाए हो, चोर पुलिस वाले, ऐसे करेंगे, देखते ही आंसर बताएंगे, देखते ही कि सर इसका आंसर ये होगा, सारे क्वेश्चन करेंगे, बस अब बड़े ध्यान सुनते रहें जो मैं तुम्हें समझा रहा, सेशन को पूरा देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? चलो जी, अब पहले हम चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि आता है एवरेज स्पीड। ये अभी हाल ही में वहां पे भी आया था, कहां पे आया था, कहां पे आया था, सीडीएस के अंदर भी आया था भैया एवरेज स्पीड। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, पहले जिन बच्चों को आता है जरा इसका आंसर बता दो, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? मैं चलो टाइमर दे देता हूं, मैं आपको कितने सेकंड दूंगा, कितने सेकंड दूंगा तुम नोट कर लो, तुम्हें मैं 20-30 सेकंड दे दूंगा, इसका आंसर बताओ पहले क्या होगा, जल्दी से बताओ 30 सेकंड क्या है, इसका आंसर बताओ। सर ऋतिक कोई डाउट है तो मुझे बता दो, वापस से रिपीट करके देख लेना, कोई डाउट है तो प्लीज। गर्मी हो रही है, जल्दी जल्दी से पहले मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। शांतनु बहुत बढ़िया, बीकॉम के होके तुम इतना अच्छा कर रहे हो कि इंजीनियरिंग को तुमने फेल दिया, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया मोहम्मद परवेज, बहुत बढ़िया गेम लेवर, 3-4 का आंसर तो बहुत बढ़िया जबरदस्त आ रहा है, बट बाकी लोगों का आंसर बहुत कम आ रहा है, राइट? सो लेट्स से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम चलेंगे एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। अब पहले ध्यान से कान खोल के सुन लो, जो तुम्हें मैं आपको बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान सुनना। अब आप ये समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती क्या है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को लिखते रहना और समझते रहना, ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, ध्यान सुनना, मैंने कहा ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है और ये तुम्हारा घर है, ये क्या है तुम्हारा यूनिवर्सिटी और ये क्या है आपके पास आपका घर है, ठीक है? अब तुम जब सुबह अपनी यूनिवर्सिटी से घर जाते हो, यूनिवर्सिटी से घर गए तो तुम बहुत एनर्जी से जाते हो, तुम्हारी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम गए, ये तुम गए 60 किलोमीटर पर आवर। बट तुम घर से जब यूनिवर्सिटी जाते हो तुम थके हुए होते हो, अच्छी से ताकत नहीं है बॉडी के अंदर, और आपकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, योर स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत बार ये आंसर कह देते हैं सर 60 + 40 हाफ कर दो, मतलब आंसर हो जाएगा 50। पहले तो बच्चे ये बोलते हैं सर इसका आंसर 50 होगा, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 50 इसका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, एवरेज स्पीड होता क्या है। तो पहले तो ये लिख लो, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, कितना होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 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 ये आपका कहलाता है एवरेज स्पीड, समझ गए? चलो अब लेट्स से अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा निकालना चाहूं जो मैंने यहां पे लिखा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो पहले मुझे बताओ, सपोज ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, मैंने तुमसे बोला तुम यूनिवर्सिटी से जब अपने घर जाते हो तुम्हारी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, और जब अपने घर से वापस यूनिवर्सिटी आते हो तुम्हारी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। तो तुम बोलोगे रचित सर पहली बात तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस क्या है, तो मैंने तुमसे कहा जिस रास्ते से तुम जाते हो उसी रास्ते से तुम वापस आते हो, तो जब मैंने तुमसे बोला बेटा टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, तुम बोलोगे रचित सर देखो मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी से घर आया, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया D + D, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा ट्वाइस ऑफ D, पहले तो इतना लिख लेंगे, समझ गए? अब मैं आपसे कहता हूं टोटल डिस्टेंस तो मैंने लिख लिया, टोटल टाइम भी मुझे चाहिए, तो मेरे को बताए स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब अगर मैं तुमसे टाइम पूछूंगा तो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तुम पहले मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस जाते थे कितने की स्पीड से आते थे, तुम बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं कहूंगा जब वापस आए तो उसी डिस्टेंस को कितने से किया, तुम क्या होगे 40 किलोमीटर पर आवर की वजह से। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे D से D से D सब हट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा ट्वाइस, और नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 × कितना हो जाएगा 40, 60 आ गया 40 यहां पे आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 + 40, इसको ऊपर भेज दूंगा तो ये 2 × 60 × 40 हो जाएगा, और आप इसे सॉल्व करोगे RS अग्रवाल भैया जी को लिख देते हैं बट फॉर्मली टर्म में लिख देते हैं वो 2xy/x+y, और मैंने तुम्हारे साथ इसका पूरा चीरहरण कर दिया कि अगर एवरेज स्पीड अगर दो सिनेरियो में आता है केवल दो में तब तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2xy/x+y प्लस ये फॉर्मूला आया कहां से, मैंने उसका पूरा का पूरा चीरहरण कर दिया, ये फॉर्मूला यहां से आया,
कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2xy/x+y, बट ये किस सिनेरियो में बनेगा, जब आपको सिर्फ आने और जाने की स्पीड दी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया होगा। बट फॉर योर फंडामेंटल आपको ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा कि अगर एक इंसान 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है और वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो भैया इसका आंसर 50 मत करना। अगर आप देखोगे 260 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, ना कि इसका आंसर जो आपके पास होगा वो होगा 50। बोलो जी हाँ या ना, समझ आया। बट फॉर योर फंडामेंटल, मैं फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फंडामेंटल में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फंडामेंटल में आपका सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने एवरेज स्पीड कहीं भी बोला तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से डिवाइड होगा। दैट्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये 2xy डिवाइड बाय x+y जो आर एस अग्रवाल भैया जी कहते हैं, वो कहां से आया, वो पूरा का पूरा तुम्हारे सामने मैंने चीरहरण कर दिया। अब इसको ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ, समझ गए। अब आप मुझे बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड से एवरेज स्पीड का है, ठीक है। टाइमर तुम ले लो 1 मिनट, बट मुझे आंसर चाहिए। अब मैंने जब कॉन्सेप्ट में दिमाग खराब किया ना, तो मुझे आंसर भी चाहिए तुम लोगों से। मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 मिनट। चैट बॉक्स में मुझे 70 के 70 आंसर चाहिए, 80 के 80 आंसर, जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे आंसर चाहिए मेरे को, क्योंकि सेशन मजा आएगा आगे चल के। और मेरा मन हुआ तो मैं सेशन को भी हटा दूंगा, ट्रस्ट मी, राइट। देख लेना तुम, सेशन लाइव रहेगा। बादशाह बहुत बढ़िया, शांतनु बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया। सेशन में पूरा देखना, मजा आएगा। अभी ऐसे ऐसे चीजें पढ़ाऊंगा ना आपको, मजा आएगा। वेट करो थोड़ा सा, अभी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, रेशियो सॉल्व करेंगे। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स सिखाते हैं ना s इक्वल टू d अपॉन t, वो नहीं करेंगे, मजा आएगा। अभी आप पहले इसको समझो। परवेश बहुत बढ़िया, वर्तिका बहुत बढ़िया। अभी भी आंसर कम आ रहे हैं यार, 80 बच्चे अगर हैं और 8 बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसमें मजा आएगा क्या? 80 बच्चे अगर हैं और 8 बच्चे आंसर दे रहे हैं, जिनका स्मार्ट हायरिंग आने वाला है 10 तारीख को स्मार्ट हायरिंग आने वाला है जिन लोगों का, वो लोग कहाँ है? और उसके बाद NQT आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, विप्रो के थोड़ा सा उठा है, TCS भी उठा है। TCS ने बोला है हम बहुत सारी हायरिंग करेंगे, 1.5 लाख स्टूडेंट की हायरिंग करेंगे, कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तुम रेडी हो पहले ये समझ लो, राइट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी कोई भी एग्जाम हो सकता है, MCAT, CoCubes, एग्जाम, कुछ भी, रेडी रहना है तुम्हें, बस ये ध्यान रखना है। चलो जी, एवरेज स्पीड का मतलब सबसे पहले जो बिगनिंग वाले बच्चे हैं बस ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड रचित क्या होती है रचित सर? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। जिसको नहीं आता बस ऐसे समझ लेना, रचित सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना होता है रचित सर? टोटल टाइम। इसके अलावा हमने बचपन में कुछ नहीं किया था, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। डिस्टेंस का मतलब होता है जो वैल्यू किलोमीटर में होती है, इतना तो पता होगा। पहले किलोमीटर वाली वैल्यू देख लेते हैं। सो अगर किलोमीटर वाली वैल्यू देखूंगा, प्रतिभा कवर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, ये किलोमीटर में लिख दो, 24 हो गया। एट अ स्पीड ऑफ इतना, छोड़ो भाड़ में गया, एंड अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, कितना चली प्रतिभा? पहले 24 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर, एट अ स्पीड ऑफ इतना, भाड़ में गया। फर्दर शी कवर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, प्लस कितना कर दिया 12। सो ये टोटल जब आपने ऐड किया तो ये किस में आएगा? किलोमीटर। इतना तो पता है ना सर, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। अब आती है नीचे, सर टोटल टाइम क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। कैसे समझ नहीं आ रहा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर तुम टाइम को यहां ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। दैट्स सिंपल। सो डिस्टेंस जो था पहला 24 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से गया है? ये पढ़ा तुमने 8 किलोमीटर पर आर, 8 किलोमीटर पर आर, प्लस 18 किलोमीटर, एंड शी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आर। तो मैंने क्या कर दिया? टाइम को रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। प्लस आगे का 12 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया है? 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। पर ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मैंने दे दिया, मुझे लग रहा सिर्फ 80 बच्चों में से अगर केवल इतने से बच्चे आंसर दे रहे हैं चुटकी भर सिंदूर, राइट, तो फिर क्या करूंगा मैं तुम्हारा, बताओ। 8 से करूंगा 8 से कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 9 से करूंगा 9 से कितना हो जाएगा? 9 2 जा 3 से करूंगा 3 से कितना हो जाएगा? 4। यू विल ऐड, सबको ऐड करोगे ऊपर क्या आ जाएगा आपके? सबको ऐड करोगे 20 30 40, 8 और 2 10 कितना हो गया? 54 हो गया। 54 6 कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आर। उस इंसान की एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आर थी। सर बीपीएस का रिजल्ट कब तक आएगा? शांतनु आ जाएगा, टेंशन ना करो, तुम्हारा हो जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि तुमने सारी क्लासेस दिया, मैं तुम्हें देखता रहता हूं, राइट, टेंशन ना करो, 100% होगा, ठीक है।
इसे क्लियर? यस सर नो। और जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है ना, दे दिया करो भैया, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है। वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आज मैंने डाल दिया है अपने कंटेंट वाले सेक्शन में, उसको देख लेना, तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा भैया। समझ आ गया श्री लक्ष्मी? समझ आ गया? एक और करते हैं, एक और करते हैं, लेट्स लेट्स डू वन मोर, वन मिनट। इसके बाद होंगे बढ़िया क्वेश्चन शुरू, इसके बाद होंगे बढ़िया क्वेश्चन शुरू। कैट 2000 में आया था, ये कैट का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, कैट वाले भी पागल हो जाते हैं कभी कभी। देखो जरा इसका आंसर बताओ। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एट V1 किलोमीटर पर आवर, एट V1 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेवल्स फ्रॉम बैक, ये पहले इधर जाती है, फिर पागल हो गई क्या, फिर बी से ए तक आती है, कितनी स्पीड है, V2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, एंड अगेन बैक फ्रॉम ए टू बी, फिर ए से बी तक आती है, कितने की स्पीड से, V2 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट, मैं शांत हूं, कुछ नहीं बोलूंगा, बट आंसर बताओ। बादशाह, तीन मेरे बच्चे पढ़ के आ रखे हैं, कोई नहीं रुक जाओ, सारे चीजें को नोटिस करके लाया हूँ मैं, क्वेश्चन टेंशन ना लो। और तुम जो संकल्प बैच वाले बच्चे हो ना, तुम्हें ऐसा पेन लेना है इस बार मुझे क्लास में, एडवांस क्वेश्चन दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, गारंटी कह रहा मैं तुम्हें, गारंटी। बट बढ़िया है, बढ़िया है, अभी देखो शुरू हो, शुरू होगा मामला, शुरू होगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मजा आएगा, अभी मजा आएगा। बाकी जरा जल्दी से बताओ, 83 स्टूडेंट हमारे पास है, चार पांच आंसर नहीं आए, मैं चुप हो जाऊं, चुप हो जाता हूँ। लो लो टाइमर फिर से ऑन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और ऑन कर देते हैं टाइमर, हम कितने सेकंड दूंगा, 21 सेकंड ले लो। चलो जी बताओ, कमॉन कमॉन गाइस, जितने भी आप लोग जानते हो जो बीसीए वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी आईटी वाले हैं, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, वो लोग जरूर भी देखें, स्मार्ट हायरिंग भी है, बट उसके अलावा विप्रो विल्स भी वापस से निकालेगा, बहुत बड़े एग्जाम होता है विप्रो विल्स का, ग्रेजुएट वाले जितने भी दोस्तों को जानते हो बोल देना, विप्रो विल्स आएगा बहुत जल्दी, राइट। और बीटेक वाले तो जितने भी हैं, 2024 वाले हैं, एमसीए वाले हैं, जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 23 बैच में है, वो लगे रहना, एप्टीट्यूड बस तुम मेरे साथ कर लो, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी तुम टेक्निकल पे फोकस करो, बस एप्टी जो है ना, मैं जो करा रहा हूँ उतना कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, जितने भी स्टूडेंट ने दिया ना टीसीएस एनक्यूटी सब बोलते हैं, ठीक है, ये गारंटी कह रहा हूँ तुम्हें। चलो जी स्टार्ट करें, राइट, हाँ चलो जी, अब इसका एवरेज स्पीड देखते हैं। सो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एक बार जल्दी से बोल दो, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। रची सर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस वो होता है जो किलोमीटर में होता है। अब आप मुझे बताओ, जब वो इंसान ए से बी तक गया, सो उसका डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ना, ए से बी, बी से ए, तो पहला इंसान ए से बी गया, कितने राउंड काटे, फरवरी का महीना है बेचारा, गाड़ी लेके जा रहा है वो, है ना, आप समझ रहे हो ना। वैसे एक शायरी थी, मैं आज से रीड कर रहा था, कितने दिलों को तड़फाता कंबक तड़फाता है फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन कम किए हैं, राइट। सो एक शायरी थी, राइट right? चलो अब चलते हैं। सो यहाँ ए से बी गया एक इंसान, डी, फिर वापस आया बी से ए, डी, फिर गया ए से बी, डी, टी, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो 3 times D हो गया, ए से बी, डी, बी से ए, टी, और ए से वापस गया, डी, तो 3 गुना उसने क्या किया, डिस्टेंस को मूव किया। अब अगर आप देखोगे भैया, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आपको टाइम पता नहीं फिर से, बट आप मुझे बताओ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेन एवर यू राइट टाइम, तो टाइम क्या करोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे, यही यही करोगे ना। चलो जी, सो अगर मैं यहां पे टाइम को देखता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मुझे पता है टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहला जब ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना था, डी, और अगर आप स्पीड देखोगे तो वी वन था, ये देख रहे हो ना, पहले वो ए से बी गया वी वन की स्पीड से, मैंने प्लस किया बी से ए तक आया, फिर डिस्टेंस डी था, बट स्पीड कितनी थी उसकी, वी टू थी, प्लस किया मैंने फिर ए से बी तक गया तो डिस्टेंस कितना था, डी, और स्पीड कितनी थी जब लास्ट बार गया तो उसकी स्पीड थी वी टू, राइट। ऐसे लिख देना है, ऐसे कुछ नहीं करना, ये डी वाला तो सब में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये गया हैप्पी बर्थडे बनाने, इसका मुझे इस्तेमाल कहीं नहीं करना। अब अगर इसके आगे देखोगे तो क्या 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 बनेगा, इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया, ये हमारा 3 रह गया, राइट।
अच्छा नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया v1, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v2। तीनों का एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा, v1 और v2 ही तो आएगा ना। अब ये मत बोलना सर v2 दो बार आएगा, भाई इतना तो पता है ना, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 4। अगर मैं तुमसे बोलू 3 4 4 का एलसीएम क्या आएगा, तब भी तो 12 ही आएगा, इसे क्लियर। सो ये आ गया, अब इसका मतलब इसमें v1 है तो इसको क्या चाहिए, v2 चाहिए प्लस, इसके पास v2 है तो क्या चाहिए, v1 चाहिए प्लस, इसके पास v2 है तो इसको क्या चाहिए, v1 चाहिए, इसे क्लियर, यस और नो। अब आप मुझे बताओ ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर, तो 3 टाइम्स कितना हुआ v1 v2 डिवाइडेड बाय कितना हुआ v1 v2 कितनी बार आ रहा, दो बार, तो v2 और प्लस ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा v1। ये इसका बनेगा आपके पास एवरेज स्पीड। वीडियो को फिर से देख लेना, कहीं डाउट हो तभी आगे चलना, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बढ़िया क्वेश्चन आएंगे जब मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्स्टेंट थीफ, चोर वाले, पुलिस वाले, इसने इसको पकड़ा, ऐसे करेंगे आंसर, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे, राइट। 2023 में कैट देना देना भाई, कैट जरूर दिया करो, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। कितने दिनों तोड़ दिए कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने उसके दिन कम किए हैं, वाह 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 वाह, राइट। सो लेट्स मूव अहेड, बात सही है ना, बोलो हाँ है ना। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है जो सिविल वाला 2023 वाला इस वीडियो को देख रहा हो, या सिविल और इलेक्ट्रिकल, अरे मैं फरवरी नहीं बोल रहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल ज्यादा टूटे हुए हैं सिविल और मैकेनिकल वालों के, ठीक है। सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एलएनटी ने हायरिंग निकाली है, राइट। तो एलएनटी वाला नोटिफिकेशन लास्ट मेरी वीडियो का है, वो जरूर देख लेना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट 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 टाइप। अब यहां से शुरू होंगे क्वेश्चन, जिसमें दो बेसिक क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम हल्के हल्के लेवल को इंक्रीज करेंगे, राइट। चलो जी, सो यहाँ पे अब आपके पास देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ना आपको कोई फंडामेंटल जो मिलेगा ना, बस इतना ध्यान रखना, मैं तुम्हें जो यहाँ ज्ञान दे रहा हूं ना उसको ध्यान रखना, हमेशा एक चीज जो होगी ना वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, बस इतना ध्यान रखना। रचित सर ने बोला था एक चीज कांस्टेंट होगी आपके पास, या तो आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, या तो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आपके पास, या आपके पास टाइम कांस्टेंट होगा, ये तीन कांस्टेंट होंगे। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कांस्टेंट आता है और टाइम कांस्टेंट आता है, ये दोनों जो है ना ये लक्की चार्म है, इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, मैं आपको दूंगा 21 सेकंड, ज्यादा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो तुम और ज्यादा ले लो, तुम 30 ले लो, बट मुझे आंसर बताओ, क्योंकि अब मजा आएगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी और रेशियो का इस्तेमाल करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर। बताओ जी आंसर क्या होगा, अरे गेम लवर क्या बता रहे हो, अरे बोलो 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 बोलो, कम ऑन कम ऑन गाइस कम ऑन, फुल एनर्जी के साथ बैठा हूं मैं, रात को जितना भी समय हो रहा कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी फुल रहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 3-2, 3-2, वेरी गुड। बट पहले यहां पे समझ लेना, अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले ये जो देख रहे हो ना क्वेश्चन, ध्यान सुनो, ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, कॉन्स्टेंट टाइम है या कॉन्स्टेंट स्पीड है। सो आप ये देखोगे स्पीड ऑफ करण इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड स्पीड ऑफ अर्जुन इज 60 किलोमीटर पर आवर, दो जने एक ही 40 किलोमीटर पर आवर है, एक ही 60 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू बाय ईच टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसका मतलब अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना, जिसमें आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है क्या, जिसमें आपका कांस्टेंट रहने वाला है डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी कि सर स्पीड ऑफ करंट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मत लिखना कि सर स्पीड ऑफ इतना इक्वल टू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे तो नहीं लिख रहे हो। उसके बाद तुम बोलोगे सर स्पीड ऑफ अर्जुन इज 60 किलोमीटर पर आवर और सर रची सर इक्वल टू डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है डिवाइडेड बाय टाइम, वॉट इज द रेशियो ऑफ द टाइम, जो t1 हो गया t2 हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो रची सर 40 × t1 मैंने कर दिया, यहां से डिस्टेंस आया जी सर 60 × t2 कर दिया और मैंने रेशो निकाल दिया, तो ये गलत है, इसको आज से समझ लेना, क्योंकि ये अब रचित सर का तरीका नहीं है, रचित सर नॉर्मल नहीं है, रचित सर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे आपको, रचित सर बताएंगे अलग तरीका, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो। देखो जब आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड मेरा इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कान खोल के सुनना, जब मेरा डिस्टेंस कहीं पे भी कॉन्स्टेंट होगा, डिस्टेंस क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो मेरा स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ऐसे लिखो कि स्पीड, अब स्पीड ऑफ करण इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अर्जुन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे किया, अब ये स्पीड अर्जुन के, ये किसका रेशियो है, करण और ये है अर्जुन, इसको पहले सिंपलीफाइड कर लीजिए। सो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो ये आ गया। अब आपको पता है कि कॉन्स्टेंट क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना जी सर। अब जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ माय टाइम। तो आप बोलोगे रचित सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेनेवर योर डिस्टेंस इज योर कांस्टेंट, तो टाइम और स्पीड का रेशियो इनवर्स होता है। इसका मतलब अगर ये 2-3 है तो यहां पे करोगे 3 और यहां पे करोगे 2। इसका मतलब बस ऐसे चाहिए मुझे आंसर, दिस इज द बॉक्स विच आई वॉन्ट। कुछ नहीं करना, अगर स्पीड का रेशियो मिल गया तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है। समझ गए, बेसिक समझ गए, हल्के हल्के लेवल उठाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन करूंगा। पहले बोलो हाय ना, यस और नो लिखो सब लोग, यस और नो, पहले बोलो यस और नो, एक बार जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, यस और नो लिखो, अरे यस और नो लिखो, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, लिखो भाई लिखो, अरे लिख दो जल्दी से लिख दो, यस और नो, क्लियर और नहीं, यस यस यस, कम ऑन गाइस, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 सेकंड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। गेम लेवर और शांतनु तुम आओ सभी संकल्प बैच के अंदर नेक्स्ट क्लास में, ना तुम्हें दिए क्वेश्चन तड़ातड़, तो क्या बात कॉस्टिक राइट। सो बोलो याद है, समझ आया, चलो जल्दी से आंसर दो, 3 आंसर आ गए, टाइम खत्म हो गया। इतनी बढ़िया तुम्हें आज की मैंने शायरी सुनाई है, फिर से रिपीट कर देता हूं, कितने दिलों को कंबख्त, कितने दिलों को तोड़ती है कंबख्त ये फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। तो फरवरी का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी प्यारी शायरी मैंने आपको सुनाई है, इसी बात पे इसका आंसर सही दे दो। 3-4 आंसर मुझे आ गए हैं सही, बट ये सारे आंसर श्रुति का आंसर, ऋतिक, प्रॉपर ज्ञान, बीजिंग, ये सारे वही है हमारे, कोई मुझे बताओ और 4-5 आंसर, ये दिल को हर्ट करता है। दिनेश 3-2-1 आ गया तुम्हारा आंसर, तुम आओ जरा, दिनेश जी 3-2-1 कैसे आया जरा बताओ। अब ध्यान सुनना, बहुत बार क्या होता है स्पीड ऑफ 3 कार आर इन द रेशियो इतना, तो स्टूडेंट ऐसे लिख देता है सर स्पीड का रेशियो मुझे पता है, स्पीड का रेशियो है 2, स्पीड का रेशियो है 3 और स्पीड का रेशियो कितना है 4। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज टू कवर द सेम डिस्टेंस, रचित सर आपने बताया था डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और बच्चे ऐसे लिख देते हैं 4 यहां पे कर देते हैं, 3 यहां पे कर देते हैं, 2 यहां पे कर देते हैं। भैया ऐसे मत कर देना, ऐसा मत कर देना, ये क्यों होता है रिवर्स, 2 के सिनेरियो में डायरेक्ट हम क्यों लिख पाते हैं और 3 में नहीं लिख पाते हैं, उसका रीजन ये है कि जब आप 2 में जाओगे, जैसे ये 2 वाला था ना, इसका रीजन ये है कि 2:3 था, जब आपने टाइम बोला तो इसका मतलब हो जाता है 1:2 और ये हो जाता है 1:3, तो यहां पे एलसीएम जो आएगा उनका मल्टीपल आता है तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। बट 3 के केस में ऐसे नहीं होगा, पहले से लिखोगे 1/2, फिर आप लिखोगे इसे 1/3, फिर आप लिखोगे इसे 1/4, 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना हो जाएगा 6, 3 से कितना हो जाएगा 4 और 4 से कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि अगर ये पहला इंसान है, दूसरा है और ये तीसरा है ना, पहले इंसान को अगर लगते थे 6 मिनट तो दूसरे इंसान को लगते हैं 4 मिनट और तीसरे इंसान को लगते हैं 3 मिनट। बस दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। 6:43, 6:43, 6:43। हे राम भगवान मेरे, समझ आए, ये सुनो राइट। संकल्प बैच चल रहा है, संकल्प 10 आप कोड यूज कर सकते हो हमारी ऐप में, जिसमें लाइव क्लासेस चलती है, इंटरव्यू का भी मटेरियल डाल दिया मैंने, सारा इंटरव्यू डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, संकल्प 10 फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट ये कोड यूज कर पाएंगे। नए बैचेस हमारे चल रहे हैं 2024 के लिए, 2023 के लिए, 2022 के लिए, टेक्निकल लाइव क्लासेस, रचित सर की लाइव क्लासेस, ओकेश सर इंग्लिश की लाइव क्लासेस, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग टीचर है, बहुत अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इस सेट के अंदर, एक जना नहीं पढ़ाएगा, मेरे बस की नहीं है कि मुझे आज मेरा मन हुआ तो मैं इंटरव्यू ले लूं तुम्हारा, आज मन हुआ ऐसा ऐसा नहीं है, हमारे स्पेशलाइज्ड है हर इंसान। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन और लेवल अप बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, इसके बाद मजा आएगा। चलो जी 20 30 सेकंड, ऑल द वेरी बेस्ट आंसर।
शांतनु डाल दिया है पीडीएफ वाला, इंटरव्यू वाला पूरा। बताओ जी आंसर बताइए। हल्के हल्के बढ़ेंगे अपने 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 लक्ष्य की ओर, क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे। स्मार्ट हायरिंग वालों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। स्मार्ट हायरिंग वाले कितने बच्चे हैं बता देना मुझे, मैं रीजनिंग पढ़ा दूंगा तुम्हें बढ़िया वाली, फंडामेंटल तुम एक बार बता तो दिया कर। तुम बताते ही नहीं, मेरे से प्यार ही नहीं करते अब तुम, मेरा शेयर भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते मुझसे। चलो लेट्स 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 डू इट राइट। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इतना, तो आप लिखोगे स्पीड का जो रेशियो है, ध्यान सुनना, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है मुझे, 3, और आप लिखोगे यहाँ पे 3 और 7, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:7। आगे लिखा हुआ है इफ बी टेक्स 20 मिनट लेस देन ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब बच्चों वाले काम नहीं करने, बच्चों वाले काम नहीं करने मतलब क्या है, आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल जो पढ़ाते हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर है नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे पढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखो स्पीड 3x इक्वल टू डिस्टेंस लिखो और टाइम लिखो आपके पास समथिंग। अब आप लिखो यहाँ पे कितना लग रहा है, 7x लग रहा है, ये डिस्टेंस सेम है, और इस बार क्या लग रहा है 20 मिनट लेस लग रहा है, तो इसका मतलब टी में से 20 कर दो, डी को इक्वल कर दो, आंसर कर दो राइट। ठीक है ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझोगे मजा आएगा, लेवल ही बढ़ाऊंगा, सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन कमी नहीं है, गारंटी कह रहा हूं तुम्हें राइट। आप इसे ऐसे नहीं करोगे, आप कैसे करोगे देखो, जब आपने इतना रीड कर लिया कि मेरा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, मैं आपको वही टाइप दिखा रहा हूं जिसमें मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट और लिखा भी है द टाइम टेकन कवर बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस। तुमने कहा सर स्पीड का रेशियो इतना है, अभी तुमने सीखा सर अगर स्पीड का रेशियो ये है रची सर तो टाइम का रेशियो दो के केस में तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब इससे क्या समझ रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इसका मतलब हुआ सर अगर ए को लगता है 7 मिनट तो बी को लगते हैं कितने मिनट, 3 मिनट, ये समझ लो बस, बाकी चीज भाड़ में गई। अगर मैं कह रहा हूं ए को लगता है 7 मिनट तो बी को लगता है 3 मिनट, तो मेरे हिसाब से ध्यान सुनना यूनिटरी मेथड क्या कहता है, मेरे हिसाब से ए को 7 मिनट लगते हैं, मेरे हिसाब से बी को 3 मिनट लगते हैं, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को मतलब बी को ए से जो कम लगता है वो 4 मिनट का अंतर है। मेरे हिसाब से ये 4 मिनट का अंतर हुआ क्योंकि इसको लगता है बी को 3 मिनट ए को 7 मिनट, इसका मतलब रचित सर के हिसाब से 4 मिनट का अंतर होना चाहिए। मगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया बी टेक्स 20 मिनट लेस, बी को 20 मिनट कम लगते हैं, मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 20 होना चाहिए। तो अगर 4 20 के बराबर तो 1 किसके बराबर, 1 हो जाएगा 5, और जैसे तुमने 1 5 का निकाला तो इसका मतलब हुआ सर 1 5 का मतलब है रचित सर घर जो था ना वो 5 गुना था, मतलब हर चीज को 5 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट ये ध्यान रखना ये सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगेगा, मतलब मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मिनट में है राइट। इसका मतलब ए को जो टाइम लगता होगा वो लगता होगा 35 मिनट्स, और जो बी को टाइम लगता होगा वो लगता होगा 15 मिनट राइट, और उसको लगता होगा 15 मिनट। ये हमने फट से आंसर दे दिया, क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, द टाइम टेकन बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस, द राइट आंसर इज 30 35 मिनट्स इज द राइट आंसर। भैया बोलो समझ आया, बेहतरीन तरीका है, इसी से हम करेंगे रेशियो, हम ये नहीं करेंगे। देखो तुम्हें ये आसान जरूर लगेगा सर, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, बचपन में क्या था 6ठी 7वीं क्लास में है ना, बट अगर तुम्हें एग्जाम निकालना हो, मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, मेरी क्लास में सिर्फ तुम कॉम्पिटेटिव, ये सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, तुम सारे एग्जाम का पढ़ो, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तुम्हें सारा यही पढ़ा दूंगा, बट तुम कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी के चक्कर में ऐसी चीज सीख लो जो तुम्हें बस सीख रहे हो बट उसको फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए फटाफट। समझ आ गया ना, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड, एक और अपना आप करोगे मजा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है प्लेसमेंट एग्जाम में, बहुत आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, जैसे एसएससी का सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा, सीडीएस का आएगा, इनमें कुछ अभी तुम टीएसडी मेरे साथ कर लो एक बार, तुम सीडीएस का लास्ट का पेपर लगा लेना, मैं तुमसे गारंटी कह रहा अगर एक क्वेश्चन इस सेशन के बाहर मिल गया ना तुम बोल देना अच्छे से सीडीएस का पेपर मैं आपके सामने लाया हूं, पिछले साल हुआ है इसका, ये क्वेश्चन सीडीएस का बता दो, कोई भी लगा लेना कुछ बाहर नहीं आएगा, बस ये सारे क्वेश्चन जो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं ना इनको कर लेना। अगला क्वेश्चन 1 सेकंड दे रहा हूं बट दिमाग से वैसे करना जैसे मैंने बताया, ऑल द वेरी बेस्ट, सोचो और आंसर करो, बिल्कुल 2021 वाले भी कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ उसमें कवर है, इंटरव्यू से लेके पीडीपी क्लासेस, कैसे बोलना है, टेक्निकल एप्टीट्यूड, एवरीथिंग इज देयर, और मात्र
600-700 रुपए का प्राइस पड़ेगा अगर आप संकल्प 10 बैच का यूज करोगे तो। मैं तो मुझे 3-4 हज़ार रुपए नहीं लेने का, मुझे भी दिक्कत होती है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि कैंपस मंक चल जाए बस, दैट्स ऑल, क्योंकि टीचर्स को लाना है और कुछ नहीं है मेरा मोटिव। दिनेश जी क्या कह रहे हो? ऋतिक टीसीएस मारी के तुम्हें मेल नहीं आया, अभी बात करते हैं, मुझे चैट में डाल देना, टेलीग्राम पे मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, मैं अपना अपने स्टूडेंट को फोन कर लेता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। अभी एक स्टूडेंट था, कुछ दिक्कत आई थी, मैंने फोन कर लिया, पूछ लो जितने भी स्टूडेंट है, किसी का भी कुछ दिक्कत होता है मैं डायरेक्ट फोन मिला लेता हूँ, मेरे को वो नहीं है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे बच्चे हैं, राइट, तो मैं डायरेक्ट फोन मिला लेता हूँ, आपकी दिक्कत है तो मेरी दिक्कत है, आपका प्लेसमेंट होगा मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को कोई वो नहीं है दिक्कत कि मैं तुमसे ये करूंगा तो उसमें आप आओगे, तब मैं तुमसे फोन करूंगा, मैं मिला लेता हूँ, ठीक है? चलो जी, ठीक है, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, ठीक है? हाँ भगवान, चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क करना क्योंकि इसके बाद और लेवल बढ़ेगा, ध्यान से 64-48 बेटा, पूछा कैसे उसका आंसर देना, फालतू नहीं, दो आंसर पूछे, दो आंसर, एक आंसर, एक 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 के पीछे देख के मत दो। देखो भाई, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, अगर मेरे कॉन्सेप्ट तुम समझोगे ना, तुम दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में और अंग्रेजी में, सब में, अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ाता, मेरे साथ जो सर पढ़ाते हैं वो एक्सट्रीमली अलग लेवल के है, राइट? सो कॉन्सेप्ट कहता है, बेबी बेबी को बेस पसंद है, इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा पता है, कैलेंडर क्लॉक्स, मजा आ जाएगा, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या हुआ, बेबी को बेस पसंद है, पहले तो आरएस, सॉरी, पहले वो बेसिक रूल देखो जो और लोग पढ़ाते हैं, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, पहले ऐसे पढ़ाते हैं, सर पहले स्पीड एस थी, डिस्टेंस डी था, टाइम टी लग रहा था, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, इसका मतलब अब जो हो गया वो 3/4 ऑफ एस हो गया, डिस्टेंस डी हो गया, टाइम जो लग रहा है वो 16 मिनट ज्यादा लग रहा है, ऐसे करेंगे, डिस्टेंस बराबर है तो वो यहां से निकालेंगे, एस इंटू टी आएगा, यहां से डिस्टेंस को निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4 ऑफ एस हो जाएगा, और प्लस का टी +16 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे और बोलेंगे क्वेश्चन का हैप्पी बर्थडे बना देंगे, जो आंसर तुम दे सकते 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, तुम उसे दोगे 1 मिनट के अंदर, और फिर बोलोगे सर पेपर तो आसान था बट हो नहीं पाया क्योंकि टाइम दिक्कत हो जाता है रचित सर। तुम देख लो जितने भी मैंने ऑल इंडिया एग्जाम किए ना, मेरे पास सबका रिजल्ट है, इस बार भी 66 नंबर का पेपर हुआ था, तुम्हें पता है मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, वो बच्चे ऐसे हैं जो जिनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप समझ रहे हो, वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, और तुम मॉक टेस्ट दोगे तभी सीखोगे। बेबी को बेस पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, कह रहे हैं कि एक इंसान ने क्या किया, वॉक किया 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, एक एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना क्योंकि अब स्टार्ट होंगे क्वेश्चन इसके बाद, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड लिखा हुआ है, आप एक काम करो, नॉर्मल स्पीड है ना तो आप सबसे पहले लिख लो नॉर्मल स्पीड या इनिशियल स्पीड, तो मैंने मतलब ये मान लिया कि जो पहले उस इंसान की स्पीड थी मैंने लिखा इनिशियल स्पीड होगी कुछ, ठीक है, और अब क्या हो चुकी, नई स्पीड हो चुकी, ऐसे लिख लोगे, क्या लिखा मैंने, ये क्या है, ये स्पीड है, मैं बेसिक समझा रहा हूं फिर हल्के हल्के लेवल इंक्रीज करूंगा, अब तुम्हें कुछ मानना है तो क्या मानोगे, बेबी को बेस पसंद है, बेस क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, 4, तो तुम क्या करो, तुम उसकी नॉर्मल स्पीड या इनिशियल स्पीड, नॉर्मल स्पीड का मतलब क्या हुआ, जो उसकी पहले स्पीड थी, तुम उसकी नॉर्मल स्पीड को 4 मान लो, तो मैंने क्या मान लिया कि उसकी जो पहले की स्पीड थी वो 4 थी, अगर वो 4 थी तो नई स्पीड कितनी हो गई, नई स्पीड हो गई उसकी 3, इसका मतलब मुझे पता लग गया रचित सर जो स्पीड का रेशियो है वो हमारे पास कितना है, स्पीड का रेशियो जो है वो आपके पास 4 और 3 का है, काम खत्म हो गया। रचित सर डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, यस सर, नो, सो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है रचित सर तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सो टाइम का रेशियो रचित सर अपोजिट कर दो, इसका मतलब 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यस सर, नो, यस सर, नो, यस सर, नो, अब इसका मतलब क्या हुआ रचित सर, कंपैरिजन हमेशा इस वैल्यू से होगी, ध्यान सुनना, हमेशा इस वैल्यू से, मतलब उस इंसान को पहले लगते थे 3 मिनट, अब उस इंसान को लग रहे हैं 4 मिनट, तो मैं क्या कहूंगा रचित सर, मेरे हिसाब से उस इंसान को पहले 3 लग रहे थे अब 4 लग रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से उस इंसान को 1 मिनट का अंतर पड़ गया, मगर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है माइक इज 16 मिनट लेट,
उसको तो 16 मिनट का अंतर आया। मतलब एक यूनिट किसके बराबर है? 16 मिनट के। अगर एक यूनिट 16 मिनट के बराबर है, इसका मतलब मैं दुनिया की हर चीज निकाल सकता हूं, मतलब हर चीज निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यूजुअल टाइम टेकन, ध्यान सुनना, दोनों मत निकालो। यूजुअल टाइम का मतलब है 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सो अगर एक यूनिट 16 के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर? 3 यूनिट किसके बराबर? 16 3 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। एंड दैट इज माई करेक्ट 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 आंसर। अगर मैं बोलता अब कितनी स्पीड है, तो तुम कहते 4 यूनिट निकाल दो। 16 4 कितना हो जाता है? 64। बट क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखेंगे। अगर उसने बोला पहले वाली स्पीड निकालो, तो 48। अगर कहता अब कितना लग रहा है, तो आपके पास लग रहा है, अब लग रहा है 64। एंड दैट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सेट। मतलब ये वाला यूज नहीं करना, ये बच्चे नहीं हो तुम अभी 6ठी 7वीं क्लास के। या तो तुम ग्रेजुएट होंगे, बीसीए बीएससीआईटी या कुछ ऐसे स्ट्रीम के बच्चे होंगे, बीकॉम वगैरह दिमाग वाले, या तुम होंगे जो आपके पास इंजीनियरिंग एमसीए वाले स्टूडेंट हो गए। अगर उसके बाद भी ये कर रहे हो, तो माफी चाहता हूं मैं, बट ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा, और ये एक क्वेश्चन से भी नहीं होगा, ये प्रैक्टिस होगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, लाइव क्लासेस प्रैक्टिस, कैसे भी करके प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करें। समझ आया? यस और नो, एक बार यस और नो बता दो। यस और नो बता दो। समझ आ गया तो एक बार यस और नो तो बता दो। मैं इतनी एनर्जी से बोल रहा हूं, यस और नो बताओ पहले। हे राम, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया दिनेश, दिनेश आंसर दे रहा है मुझे। राहुल बहुत बढ़िया। देखो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोल की मैं वो करूँ एबीसीडी, और मैं अकेला इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी बहुत छोटी सी टीम है, राइट? आप इसमें मुझे बता दिया करो, मेरा उतने बहुत सपोर्ट हो जाता है। ये सुनो, आपको समझ आ गया? आ गया ना? धन्यवाद। अब एक क्वेश्चन तुम अपने आप करो सिमिलर टाइप का, और फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। बढ़िया बढ़िया लेवल हल्के हल्के इंक्रीज करेंगे। शांतनु और गेम लवर, रुक जाओ, तुम टेंशन ना लो, तुम आंसर करो पहले जल्दी से। मैं ये कोट उतार दूं अपना, गर्मी बहुत लग रही है। अरे भैया, विप्रो विल जरूर करो ज्वाइन, मत छोड़ना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, याद करोगे, मिलवाऊंगा तुम्हें लोगों से, उन जिन लोगों ने विप्रो ज्वाइन किया था, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चलो भैया, एक क्वेश्चन और करेंगे सिमिलर लेवल का, देन विल मूव अहेड। अब सही है, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। फाउंडेशन तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। वॉकिंग एट 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड। अब आपको दिमाग से करना है, सर क्या लिखा हुआ है? 6/7 ऑफ किसका लिखा हुआ है? यूजुअल स्पीड। तो आपने क्या मान लिया? बेबी को बेस पसंद है, इसका मतलब यूजुअल स्पीड आपको क्या मान लिया? आपने बस ऐसे लिखना है, सर इनिशियल, ऐसे हाँ इनिशियल लिख लिया यहाँ पे आपने, और यहाँ पे क्या लिख लिया? ये आपने लिख लिया न्यू या फाइनल, जो भी आप लिख लो, इनिशियल फाइनल जो। आप क्या मानोगे? बेबी को बेस पसंद है, इसका मतलब इस 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे आप 7 मान लो, कि इनिशियल अगर उसे 7 लग रहा था, तो अब क्या लग रहा है? उसे 6 लग रहा है। ये किसका रेशियो मिला? ये मुझे स्पीड का मिला। रची सर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, मैंने कहा हाँ भाई डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, पढ़ नहीं सकते तुम? तो तुमने कहा रची सर बहुत आसान है, टाइम का रेशियो रिवर्स कर दो, इसका मतलब 6 को यहाँ कर दो, 7 को यहाँ कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा जरा मुझे आप एक्सप्लेन करो मतलब क्या हुआ। कहता है कि सर अगर उस इंसान को पहले 6 मिनट लगते थे, तो अब उसको 7 मिनट लग रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने उससे बोला इससे मतलब क्या हुआ? तो बोलता है कि 1 मिनट ज्यादा लग रहा है उसको। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में? कहता है मगर क्वेश्चन कहता है कि उस इंसान को 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, 25 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम कर, 1 को 25 के बराबर कर दे। इसका मतलब यूनिट का ध्यान रखना, जो भी यूनिट दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन में उसके इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 25 के बराबर है। क्वेश्चन पूछा है हिज यूजुअल टाइम, यूजुअल का मतलब हुआ इनिशियल टाइम कितना था। तो मैंने उससे बोला 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलता है सर 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 6 कर दोगे, आंसर आपका बन जाएगा 150। 25 × 5 = 125 प्लस, तो आंसर होगा 150। 150 मिनट्स हो गया, बट आंसर आपको दे रखा है, तो 150 का मतलब होता है 2 घंटे, है ना, 120 प्लस 30, तो आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही मार्क करके मैं आ जाऊंगा एग्जाम में। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर। नो गाइस, कम ऑन, इज इट क्लियर? एक बार हाँ ना बोल दो। नील हो गया भाई, हाँ ना तो बोल दो। अरे हाँ ना बोल दो जल्दी से, इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर। रीमा, रीमा तुम बता दो क्लियर हो गया सब लोग को?
यस गेम लवर क्लियर है. ओके लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट. 30 seconds टू यू. मेक श्योर कि आपका आंसर सही है. कम ऑन गाइस. रीमा भी मेरी स्टूडेंट है. ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं. ओके सो आंसर बोलो बोलो बोलो. तेरो लहंगा यहां भाई शादी हो रही है ना सॉन्ग चल रहा है तेरो लहंगा गढ़वाली उसमें वो चलता है सॉन्ग. चलो जी आंसर 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 राइट. सो यहां पे लिखा हुआ है. चलो देखिए आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ. अरे आंसर बोलो. 12 hours. ओके वेरी गुड. हु इज दिस? मारू. ओके मारू परफेक्ट है परफेक्ट है. सर मेरा विप्रो विल्स में सिलेक्शन हुआ बट मैं कंफ्यूज हूँ ज्वाइन करूँ ना करूँ. स्नेहा ओके आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना विल कनेक्ट यू देयर. टेंशन ना लो ठीक है. चलो जी आंसर बता दो. स्नेहा मैं तुम्हें हेल्प करूंगा बट पहले मुझे इसका आंसर सही बताओ. तुम आंसर बताओ पहले. सर मैं डिप्लोमा किया है अभी मैं विप्रो में सेलेक्ट हो गया. वीडियो देखी बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विप्रो में जाओ और बहुत अच्छी लाइफ करो. चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. लेट्स मूव. कहाँ गए भैया गेम जोनर? आंसर थोड़ा सा चेंज हुआ और आंसर आने बंद हो गए. चलो देख दो भैया कॉन्सेप्ट समझो. अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ द ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच द प्लेस इन 39 आवर्स. तो लिखा हुआ है आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से एक बार बताओ कि आ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इज ओरिजिनल स्पीड. तो वही तो है ना एक ट्रेन जो है वो 9/13 से चल रही है उसकी ओरिजिनल स्पीड से. तो उसकी ओरिजिनल का मतलब है जो भी उसकी इनिशियल स्पीड होगी जो भी उसकी इनिशियल स्पीड होगी उससे 9/13 चल रही है. सबसे पहला काम वही करना है कि आपने लिखना है स्पीड. यहाँ पे क्या लिख देना है इनिशियल. इनिशियल क्या था आपके पास उसका इनिशियल हो गया. और या फाइनल लिख लो या न्यू लिख लो जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो इनिशियल और न्यू. तो मैंने कहा कि इनिशियल क्या करता है बेबी को बेस पसंद तो इस जगह मैं क्या मान लूंगा 13. तो मैंने उसे बोला कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड 13 थी तो अब जो वो चल रही है वो 9 के हिसाब से चल रही है. मतलब ये जो 13 और 9 निकला ये मेरा किसका रेशियो निकला ये मेरा स्पीड का रेशियो निकला. समझ गए आते. अगर मेरा स्पीड का रेशियो 13:9 है सो आई कैन से दैट माय रेशियो ऑफ माय टाइम टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे आ जाएगा 13 यहाँ पे आ जाएगा. ये मेरा निकल गया टाइम का क्योंकि मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट था. तो व्हेन माय डिस्टेंस इज कांस्टेंट आई नो दैट माय स्पीड का रेशियो ये तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट इनवर्स हो जाएगा. समझ गए. इसका मतलब पहले उसको लगते थे 9 क्या जो भी मुझे दे रखा होगा 9 आवर्स. अब लग रहा है उसको 13 आवर. नया जो लग रहा है वो 13 घंटे लग रहा है. अब यहाँ पे एक गलती आपसे ना हो जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच द प्लेस 39 मिनट 39 आवर्स. अब ये ध्यान से सुनना यहाँ पे ये जो 39 आवर्स है ना ये इन दोनों का डिफरेंस नहीं है. इट्स नॉट अ डिफरेंस राइट. ये कह रहा है कि जब उस ट्रेन ने 9/13 की स्पीड से चला तो वो 39 आवर्स में पहुंची है. देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो. यहां क्या था यहां पे लिखा था वॉकिंग एट 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन इज 25 मिनट लेट. वो 25 मिनट लेट हुआ है. अगर कोई इंसान लेट हुआ है इसका मतलब डिफरेंस की बात है. यहां पे वो कह रहा है जब उस ट्रेन ने 9/13 स्पीड से चली है तो वो ट्रेन जो है वो 39 आवर्स लेट 39 आवर में पहुंची है. इसका मतलब ये जो 39 आवर्स आपको दे रखे हैं ये आपको क्या दे रखा है दिस इज योर फाइनल टाइम जो भी आपको फाइनल टाइम लगा होगा. ये चीज समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर. रट्टाफिकेशन करोगे हैप्पी बर्थडे निश्चिंत है. रट्टाफिकेशन नहीं करोगे तो मजा आ जाएगा. आप क्या होगे सर फाइनल जो है वो कितना था 13. क्वेश्चन के हिसाब से जो फाइनल टाइम लगा वो कितना लगा अरे बोलो 13 जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से लगा है 39. इसका मतलब 1 यूनिट जो है मेरी वो किसके बराबर है 13 3 39. इसका मतलब एक जो है वो अब यूनिट देख लेना वो आर में है. इसका मतलब एक यूनिट 3 आर के बराबर है.
इसका मतलब अगर मैं बोलता पहले कितना समय लगता था, तुम कहते 9 3 27, तो पहले लगते थे 27 घंटे, तुम यहां लिखते 27 आवर। मैं कहता हूं अब कितना लग रहा है, तो तुमने कहा अब जो लग रहा है वो 39 आवर लग रहा है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि अब 39 आवर लग रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम कुड ही सेव्ड इफ द ट्रेन वुड हैव रन एट दिस ओरिजिनल स्पीड, अगर वो ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितना समय बचाती। 27 और 39 का डिफरेंस कितना हुआ, 12। तो आंसर इसका बनेगा वो अपनी ट्रेन 12 घंटे बचा सकती थी। ऑल दो आप ऐसे भी निकाल सकते थे या ऐसे भी सोच सकते थे। रचित सर देखो 13 और 9, इसका मतलब अंतर जो आया वो कितना आया, 13 और 9 का अंतर कितना आया, 4। अगर 1 यूनिट 3 के बराबर है, 13 और 9 का मतलब है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 3 के बराबर, 4 यूनिट 12 के बराबर, तो इसका सही आंसर बनेगा 12 बार्स। राइट, इज इट क्लियर? संकल्प बैच, अगर आप संकल्प 10 कोड यूज करते हो तो आपका प्राइस हो जाएगा 710 720 विद टैक्सेस। राइट, इज इट क्लियर? यस और नो, समझ आया? हाँ ना तो बता दो, अरे हाँ ना तो बोल दो, चैट बॉक्स में लिख दो समझ आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब तुम्हारे जो ब्लॉक्स है ना वो तोड़ रहा हूं मैं। ये बच्चे वो ही समझ सकते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो सिर्फ ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहते हैं, एस इक्वल टू डी अपॉन टी लिखने वाले ना, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए तो वही सही है जो चल रहा है, चलने दो, चल रहा है चलने दो, जीवन में क्या जा रहा है ना। बट जो नया सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। भैया समझ आ गया, इक्वल किसके रखना है? ये 13 39 के इक्वल था। बहुत सारे गलती ये कर देते हैं कि 9 और 13 का अंतर को रख देते हैं, तो आंसर बैठे रहेंगे, बोलेंगे गलत आएंगे। क्वेश्चन की रीड करो, क्वेश्चन की लाइनों को पढ़ो तो मजा आएगा। यस और नो बोल दो, इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन आया, तुम्हें चाहिए वही बच्चे वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। मेरे को तो वही बच्चे चाहिए जिनको एग्जाम निकालना है, गारंटी मेरी है, सिलेक्शन का प्रॉमिस मेरा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं 31 सेकेंड। समझ आ गया ना? एकदम सर, फॉर्मूला बहुत बुरी चीज है, अरे बहुत ही घटिया, मैं तो बोल ही रहा हूं तुम्हें फॉर्मूला मत लगाओ। अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड दे रहा हूं तुम्हें, और बढ़िया क्वेश्चन। गेम लवर शांतनु कहां गए अब तुम? चलो जी, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, शेयर 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 स्केलिंग। देखो मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप शेयर करोगे ना तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा ऊपर हो जाता है ना। मैं तुम्हारे साथ 11 की जगह 12 बजे तक भी बैठ सकता हूँ, पूरे क्वेश्चन निपटा दूंगा। बट अगर मुझे लगेगा तुम शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरा मैं थक गया हूँ, मैं बोलूंगा आज के लिए इतना करते हैं, सेशन एंड कर दूंगा मैं। राइट, बट अगर तुम शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन अप होगा। मैंने कहा यार 1 घंटा और बैठता हूँ इनके साथ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के वन शॉट शॉट के अंदर जाऊंगा, थीफ चोर वाले क्वेश्चन भी सिखा के जाऊंगा। बट अगर तुम बोलोगे रचित सर नहीं हम शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मोटिवेशन मेरे लिए इतना कर सकते हो ना। मैं यूट्यूब में बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, लोग कंटिन्यूअस रहते हैं मेरे चैनल पे, जितनी वीडियो है ना आप देख लो वो, और उस वीडियो को देख लेना, इतनी सी वीडियो के अंदर इतने सब्सक्राइबर है मेरे, जबकि लोग लगातार डालते हैं, वो मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि मैं अकेला इंसान, अकेले सब मैनेज करना है। राइट, बट आप कंटेंट देख लेना मेरा और किसी का भी, कंपैरिजन कर लेना, नो मैटर, आप देख लेना, इस बात को मैं ओपन गारंटी कहता हूँ। राइट चलो जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट, मम्मी रूल पापा रूल आपको याद करना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाइल ट्रेवलिंग, अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं है ना, व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, एक इंसान जब ऑफिस से अपने घर जा रहा था, राशि कार गॉट सम प्रॉब्लम, उसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है, सो शी टुक 11.11% मोर टाइम देन द यूजुअल टाइम। अब पहले तो जैसे आपने यूज किया 11.11%, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको रचित सर की याद आ गई, रचित सर ने इसको कैसे याद करवाया था, रचित सर ने बहुत बुरा एग्जाम्पल दिया था, बट वो एग्जाम्पल ऐसा था दिमाग में बैठ गया, सर ने बोला था 9/11 अटैक हुआ था, 9/11 अटैक हुआ था यूएस के अंदर, और 9/11 एक ऐसी डेट है जो एक ब्लैक डेट बोली जाती है दुनिया के अंदर, वो बहुत ब्लैक डेट है बट हमारे कॉन्सेप्ट के लिए काम आएगी, इस वजह से मैंने यूज किया था। तो 9/11 9/11 9/11 9/11, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 1/9 जो होता है वो 11.11 होता है, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मोर और लेस लिखा हुआ है ना, मोर और लेस लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझनी है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम ऋषि कार गॉट गॉट सम प्रॉब्लम, सो शी टुक 11.11% मोर टाइम, वो ज्यादा समय ले रही है
समझ रही हो ना, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल इनिशियल, अगर मैं कहूं एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नंबर मान लेता हूं कि उसको पहले जो लग रहा होगा वो इतना टाइम लग रहा होगा, तो आप बोल सकते हो ऋषि को कितना टाइम लग रहा होगा, बेबी को 20% है, इसका मतलब मैंने मान लिया 9. सो मैंने उसे बोल दिया कि अगर उससे पहले 9 9 आवर्स जो भी आपको दे रखा है इतना टाइम लग रहा होगा, तो अब जो उसको नया लग रहा है, अब जो न्यू लग रहा है, वो ध्यान रखना वो 1 नहीं लग रहा है, ये मत कर देना 1. क्योंकि भाई 100 रुपए का अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे 20% निकालो, तो आंसर कितना होगा, 20% होता है. मैं तुमसे कहता हूं 100 रुपए को 20% बढ़ाओ, तो आंसर होता है 120. तो दोनों में अंतर है ना, परसेंटेज मोर का, समझ गया मतलब. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 है, तो अब उसने अपनी क्या कर दिया है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो 9 से 1 ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10. मतलब हर 9 पे 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 10 लग रहा होगा. तो ये क्या लग रहा है, अब ये तुम्हें क्या दे रखा है, शी टुक इतना टाइम, तो ये तुम्हें इस बार किसका रेशियो दे रखा है, टाइम का. तो आप लिखोगे सर टाइम का रेशियो जो मुझे दे रखा है वो 9:10 दे रखा है, एंड दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल जो मेरे को समझ आया. अच्छा रजी सर एक बात बताओ, डिस्टेंस तो सही है ना, क्योंकि वो अपने घर से वहां जा रही थी, ठीक है, तो डिस्टेंस वॉज कॉन्स्टेंट. तो मेरे को पता है रजी सर, जब मेरा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो हमने क्या सीखा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है. सो इसका मतलब अगर मैं आपसे स्पीड का रेशियो बोलूंगा, सो यू कैन राइट सर रेशियो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9. इतना समझ हो गया. और आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर उसे पहले लग रहा था कुछ 10 घंटे, तो अब उसे लग रहे हैं 9 घंटे. क्यों लग रहे हैं 9 घंटे, क्योंकि अब उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस राशि कार गॉट सम प्रॉब्लम, सो शी टुक 11.11% मोर टाइम देन द स्पीड, राइट. सो यहां पे मेरा 10 और 9 का रेशियो हो जाएगा. इसे क्लियर, यहां तक ले रहे, सुनो. अरे ये सुनो तो बोलो, राइट. अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सिर्फ एक चीज निकालनी है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझ लो. इन दिस केस हर स्पीड, तो अब जो इसकी स्पीड है इज व्हाट परसेंट ऑफ द यूजुअल स्पीड, इसका मतलब ये जो 9 है, ये पूछा है जो 9 है ये इस 10 का कितना परसेंट है, बता दो ये 9 जो है इस 10 का कितना परसेंट है, तो आंसर क्या होगा, ये 9 जो है वो 10 का 90% है, तो इसका आंसर होगा 90. अरे इसका आंसर होगा 90. यस सर नो, समझ आया, एक बार मुझे बता दो चिल्ला चिल्ला के, मैं तो थक गया. 11:10 हो गए सेशन को, लाइक केवल 49 बच्चों ने, जबकि अभी भी 1 घंटे बाद भी 60 70 बच्चे हैं. ऐसा काहे तुम करते हो, सेशन को लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारे रजिस्टर के बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेंगे हम आगे, हम तो वहीं रुक जाएंगे ना. तुम विप्रोविल सब जगह जाओगे, बट हमें भी तो बढ़ा दो, अपने साथ ले चलो ना, कैंपस मंक इज योर पार्ट, राइट. 66 लाइक्स है सर, बट बच्चे तो 80 तक थे ना, कहाँ गए. बोलो जी, क्लियर हो गया, इतना आंसर समझ आ गया, तो आंसर इज 90%. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट. चलो अगले एक एक तरफ और चलते हैं. सो नेक्स्ट जो टाइप है, दिस इज योर होमवर्क, ये सेट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर होमवर्क में चाहिए. सेशन के बाद आप बैठो 1 घंटा 2 घंटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए होगा, ठीक है जी. आगे चल सकते हैं, धन्यवाद. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप. इसके अंदर नेक्स्ट टाइप क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट से आते हैं टाइप आते हैं, फिर वो थीफ वाले भी आएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और फिर हम चलते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो मैं आपको देता हूँ 31 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, रीड करो और आंसर दो, कैसे मुझे बताओगे इसका, जल्दी से. अर्शी थैंक यू सो मच, बट आप शेयर कर दो. शाहरुख सिद्दीकी नेक्स्ट हायरिंग अप्रूवल्स की बहुत जल्दी आएगी, बस तुम पढ़ते रहो लगातार, काम तुम्हारा बन जाएगा, सफल हो जाएगा, और हमें बस प्रसाद चढ़ा दो, राइट. मतलब है क्लासेस में आ जाओ, दैट्स ऑल, अच्छे से पढ़ लो बस और शेयर कर दो, हमारे लिए वो बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी. शांतनु चलो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, दो तरीके से इसका आंसर हम दे पाएंगे, बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा. पहला जो आपको समझाऊंगा वो बेसिक अप्रोच, मतलब बेसिक का मतलब है जो हमने अभी अप्रोच लगाई है वो, और एक नई अप्रोच, दो अप्रोच से हम देखेंगे, वैसे तीन हो सकती थी बट मैंने अप्रोच नंबर 1 और अप्रोच नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ दोनों अप्रोच को आप ध्यान से देखेंगे, राइट.
जयश्री गोज टू ऑफिस, जयश्री गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैं पहले रेशियो से ही कर रहा हूँ। हाँ, तो आप ये बोलोगे रचित सर पहले स्पीड का रेशियो कितना था, तो मैं कहूंगा स्पीड का रेशियो पहले था 6, जयश्री जाती थी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब जो जा रही है जब रिटर्न आई है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। सो आई कैन से दैट माई रेशियो जो होगा 2 से करूंगा तो 2 टाइम्स आएगा, 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब आई कैन से दैट द रेशियो ऑफ माई स्पीड, द रेशियो ऑफ माई स्पीड जो मेरा स्पीड का रेशियो निकला, ये किसका रेशियो निकला, स्पीड का। सो आई कैन से दैट माई रेशियो ऑफ द स्पीड इज 3:2, 3:2 का रेशियो आया। अब आप जानते हो कि उसमें अगर रेशियो ये है तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है जयश्री गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न्स हर होम एट ए स्पीड ऑफ इतना, इफ शी टेक 10 आवर इन ऑल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम। तो आपको पता है जितने वो जा रही है उतना ही आ रही है, तो डिस्टेंस तो उसका कॉन्स्टेंट है इस सिनेरियो में। तो अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो मैं आपसे कह सकता हूँ टाइम का रेशियो क्या होगा, आप क्या होगे टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 और आप बोलोगे टाइम का रेशियो हो जाएगा 3। अब मैं कहूंगा कि भैया आप मुझे बताओ आपके हिसाब से टोटल टाइम कितना लगा। मैं टोटल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे टोटल टाइम दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उसको एक बार से दूसरी बार में 10 घंटे ज्यादा लगे, बोलता है कि उसको जो लगे वो टोटल मिला के 10 घंटे लगे। तो अगर आप बोलोगे 2+3 तो मैं कहूंगा टोटल जो टाइम लगा वो लगा मेरे हिसाब से लगा 5 आवर्स लगे। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल टाइम उस इंसान को लगा वो जो लगा, इसको इधर लिख दूं थोड़ा सा, बट यहां पे जो मेरे हिसाब से 5 लगा बट क्वेश्चन के हिसाब से जो लगा वो लगा 10 आवर्स। सो आई कैन से दैट माय वन यूनिट इज इक्वल्स टू 2 आवर, मेरी 1 यूनिट 2 आवर के बराबर है। और यहां से एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरे बहुत जरूरी बात ध्यान रखना कि जब आप 1 यूनिट निकालते हो ना तो आप सिर्फ केवल इस टाइम पे ही यहां लगा सकते हो, क्योंकि आपने इसी को कंपेयर किया हुआ, आप डायरेक्ट स्पीड पे वापस नहीं जा सकते हो, ये चीज रखेगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता पहले कितना समय लगता होगा तो 2 यूनिट का मतलब कितना हुआ 2 2 जा, अगर 1 यूनिट 2 के बराबर तो 2 यूनिट किसके बराबर, तो आप बोलोगे रचित सर 4 घंटे। तो आप बोलोगे सर पहले लगता होगा 4 घंटे, 4 घंटे लगता होगा, बाद में अगर देखूंगा तो 6 घंटे आएगा, बट जरूरत नहीं है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, अब मुझे पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू क्या होता है, बोलो अरे बोल दो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड। अब आप स्पीड जो थी उसकी इनिशियल देखोगे कितनी थी 6, तो स्पीड इनिशियल यूज करनी है, कितना लिखोगे 6, और अगर टाइम देखोगे तो कितना लग रहा है 4, तो आंसर हो जाएगा 6 × 4 कितना हुआ 24 किलोमीटर, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये आपके पास रेशियो वाला प्रोसेस था, बट मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसका एक और अप्रोच है, और ये जब भी इस टाइप का सेट आता है ना तो आपको इसमें ये वाली अप्रोच लगानी है रेदर देन ये वाली। अब ध्यान सुनना, जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ वो वाली लगाना, इस वाले सेट के अंदर ये मत लगाना, ठीक है। अब मैं एक सेकंड ना, इसको क्या हो गया, हाँ, अब जो मैं आपको सेकंड अप्रोच बता रहा हूं ना, सेकंड वाली अप्रोच ये वाली लगाना इसके अंदर, ध्यान से सुन लो, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है ध्यान सुनो कि भैया आप ए पॉइंट से, ध्यान सुन लो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए पॉइंट से कहां गए बी पॉइंट, ए से बी तक गए और फिर बी से ए तक आए, और टोटल आपको 5 घंटे लगे टोटल। सो आप ऐसे लिखोगे सर टोटल टाइम लगा टी टोटल, और ये टोटल टाइम क्यों लगा होगा, क्योंकि आपको टाइम से लगा ए से बी तक जाने में, ये क्वेश्चन जरूर आता है, प्लस आपको टाइम लगा कहां से बी से ए तक आने में, एंड दैट इज इक्वल टू माय टोटल टाइम। आप ऐसे लिखोगे, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल टाइम। तो जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट के अंदर आता है तो आपको बस ये फंडामेंटल जो आपको कहीं भी मिल जाता है तो इसको आप ध्यान रखोगे, दिस इज द बेस्ट 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 वे टू सेट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सेट। आपको यहां यही लगाना है रेदर देन ये फ्रैक्शन, मैंने आपको दोनों बता दिए, कल ये पे आप ऐसा ना बोलो रचित सर जब आपकी मर्जी हुई आपने ये लगा दिया, रचित सर जब आपकी मर्जी हुई ये लगा दिया, मैंने आपको दोनों इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को मतलब गिरगिट बनना है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं बेटा गिरगिट बनो, गिरगिट का मतलब है, गिरगिट का फायदा क्या होता है, समय के हिसाब से रंग बदल देती है, ऐसे ही आपको करना है, समय के हिसाब से अपने आप को बदलो, जो अप्रोच बेस्ट लगे उसको लगाओ। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या होगे सर टोटल 10 घंटे लगे, टोटल दे रखा है इसका मतलब टी की जगह रख दूंगा 10 इक्वल टू डिस्टेंस मेरा सेम है, मतलब ए से बी तक आया डी बी से तक आया इतना, जाते हुए एक समय कितना स्पीड था 6 और एक तरफ कितना था 4, तो ये कर दूंगा काम खत्म हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना जब भी आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम मत लेना, एलसीएम मत लेना, कैलकुलेट में 7 और 8 आ गया तो मल्टी एलसीएम लोगे, एलसीएम मत लेना, हमेशा ऐसा करना 6 × 4 ये 4 यहाँ जाएगा 6 यहाँ जाएगा, 6 और 4 कितना हुआ 10 टाइम्स हो गया डी, और इक्वल्स टू सामने कितना है 10 है, तो 10 से 10 गए आंसर हो गया 24। तो ये आपको जल्दी आंसर दे देगा, ये मुद्दे की बात है, इसमें ये वाला हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी पड़ेगी, जब भी आएगा टोटल टाइम तो प्लस लगाना है। बट अगर वो बोलेगा कि एक इंसान गया वो दूसरे इंसान जब वो सेम डिस्टेंस को जाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो बस आपको उस जगह ये ध्यान रखना
लिखना है, प्लस के आगे वहां माइनस लगा देना है। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में देगा टोटल टाइम तो प्लस लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर बोलेगा भाई एक इंसान यहां से यहां तक है, दूसरा इंसान जब जा रहा हो 5 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो वहां माइनस लगाना है, बाकी जगह प्लस लगेगा। ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में भी काम आएगा, क्योंकि इस वजह से बताना पड़ रहा है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी सेम फंडामेंटल से चलेगा। क्लियर है? इसे क्लियर? यस सर नो? यस सर नो? यस सर नो? राइट, लेट्स डू वन मोर सेट, एक और सेट करेंगे। 31 सेकंड, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, कम ऑन गाइस, कम ऑन। एक ओमकार सच्चनाम शिवाय गुरु शिवाय गुरु, एक ओमकार सच्चनाम शिवाय गुरु। चलो जी, आंसर प्लीज प्लीज गाइस, कम ऑन, लेट्स फोकस। राइट, ओके, सो यहाँ पे अगेन वी कैन यूज टू प्रोसेस। राइट, अगर आप बेसिक से करोगे तब भी आंसर आएगा, वैसे करोगे वैसे भी आएगा, आपकी इच्छा है। मैं दोनों प्रोसेस समझाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं आपको समझा देता हूँ। हर्ष एंड विजय मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स होसार स्टार्टिंग फ्रॉम आई एम बैंगलोर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सो आप देखोगे पहले की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड जो स्पीड आपको दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, वेन यू सॉल्व इट तो आपका आएगा 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हेनेवर योर डिस्टेंस इज कांस्टेंट योर टाइम रेशियो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो ये लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि उस इंसान को, इस बार समझ लेना, उस इंसान को और विजय और हर्ष का ये जो 200 मिनट है ना, ये आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इफ विजय रीचेज होसार 200 मिनट्स अर्लियर देन हर्ष, ये अर्लियर पहुंचा है। अर्लियर का मतलब होता है ये डिफरेंस है, अर्लियर और लेटर का मतलब है डिफरेंस। अब आप यहाँ पे जो लगाओगे ना वो ऐड करके नहीं लगाओगे, आप अगर रेशियो मेथड लगा रहे हो तो आप बोलोगे सर इसको लगते हैं 3 मिनट लेट्स से, या 3 आवर इसको लगते हैं उस जगह पहुंचने को, 2 आवर, तो इन दोनों का डिफरेंस है कितने आवर का, 1 आवर का। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 200 मिनट के इक्वल है, तो ये 200 मिनट के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये 200 के इक्वल है तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 600 मिनट के बराबर हो जाएगा, 600 मिनट हो गया। अब आपको पता है स्पीड तो नॉर्मली थी, स्पीड क्या रखूंगा, स्पीड क्या रखूंगा, स्पीड रखूंगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये रखूंगा डिस्टेंस आई हैव टू कैलकुलेट, और टाइम मुझे लग रहा है 600 मिनट, और मिनट को आवर में करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, योर आंसर वुड बी आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक हो गया मतलब रेशियो मेथड। बट मैंने आपसे क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप कुछ मत करो, आप बोलो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पे आपको लिखना है टाइम। अब मैंने आपसे कहा प्लस कहां लगेगा, प्लस उस सिनेरियो में लगेगा जब आपको कोई भी टोटल समय दिया होगा तो वहां प्लस लगेगा। अगर आपको टोटल नहीं दिया हुआ है, कहते हैं एक इंसान को उस इंसान से 10 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, तो वहां पे यू हैव टू यूज माइनस। दैट्स द फंडामेंटल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से इतना समय कम लगा, इतना समय ज्यादा लगा, तो माइनस यूज करना है। जैसे इस सिनेरियो में मैं आपकी जगह होता मैं यूज कर देता डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली स्पीड अगर आप देखोगे कितनी लिखोगे 40, माइनस डिस्टेंस अपॉन दूसरी कितनी लिखोगे 60, और यहाँ पे जो अंतर है वो 200 मिनट का है। अब एक चीज और ध्यान रखना, गलती जो हो जाती है बच्चों से ये हो जाती है, इस 200 को वो 60 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, ये पाप है तुम्हारा, ये गलती नहीं है ये पाप है। क्या है ये पाप, तो ध्यान रखना पाप नहीं करना, मतलब डिवाइडेड बाय 60 अगर तुम भूल गए तो तुमने पाप कर दिया, और पाप मत करना। राइट, सो ये ध्यान रखना है कि पाप नहीं करना, मतलब डिवाइडेड बाय 60 जरूर कर देना तभी आएगा। सो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बेस में कितना आ जाएगा 40 × 60 हो गया, ये 60 यहां जाएगा, एलसीएम मत लेना, ये 60 यहां जाएगा, 40 यहां जाएगा, 60 में 40 गया, कितना बचा 20 टाइम्स ऑफ डी रह गया, और इक्वल टू कितना हो गया 200 / 60। कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 20 से ये 60 चला गया, ये 20 से आएगा कितना हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 400, डिस्टेंस कितना हो गया 400 किलोमीटर। ये दोनों प्रोसेस से आंसर आ रहा है, और तुम्हें ये जरूर समझना है कि दोनों प्रोसेस से आंसर कैसे आ रहा है। इज इट क्लियर? सो आज के लिए सेशन इतना ही रखिए, फिर इतना ही रखते हैं सेशन, क्योंकि आई थिंक सब लोग थक गए हैं, तो आज के लिए सेशन पे इतना ही रखते हैं, और थीफ वाले जो क्वेश्चन है विल डू इन द नेक्स्ट 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 क्लास। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वेयर लेट पहुंचता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। ये दो क्वेश्चन और पढ़ा दूं फिर मैं, फिर एंड करेंगे सेशन को। ये वाला टाइप जरूर देख लीजिए, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास। राइट, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपके पास आपको देखने को मिलेगा, ये वाला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये वाला टाइप और देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कैसे करूं,
तुम शेयर ही नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं बताओ। तुम्हें सबको थकान लग रही है। जब इंडिया है ना, इंडिया में क्या होता है, जब एग्जाम आने वाला होता है ना तो सब रेडी होते हैं। सर एग्जाम है 10 दिन पहले 1200 बच्चे आ जाएंगे, बट एग्जाम से पहले मत पढ़ाओ, है ना। हमें वो पढ़ाओ सर जिसमें आप प्लेसमेंट गारंटी दे रहे हो, बस आप गारंटी दे दो बाकी हम आ जाएंगे। सो इस टाइप को देख लो। बस एक लास्ट टाइप आता है आपके पास, इफ आई वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, आई मिस अ ट्रेन बाय 7 मिनट। तो आपको कुछ 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 ऐसा सिनेरियो देगा कि भाई मैंने बोला आपसे, लेट्स से मैंने आपसे बोला कि भैया मेरी क्लास तो 12 बजे है, मेरी क्लास 12 बजे है, तो 12 बजे तुम्हें क्लास में आना ही आना है। बट तुमने क्या किया, तुम मेरी 12 बजे क्लास थी और तुम 7 मिनट लेट आए, तो तुम पहले टाइम क्या हो गए, 7 मिनट लेट हो गए। अब मैंने तुमसे बोला इफ हाउ एवर इफ आई वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर तुम 6 किलोमीटर पर आवर से आओगे तो 5 मिनट जल्दी आ जाओगे। तुम सेम टाइम से निकले और तुम 6 मिनट जल्दी आ गए। आपको इस सिनेरियो में बस इतना ध्यान रखना होता है, जब भी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आप एक बार लेट हो गए और एक बार आप अर्ली हो गए, तो आपको सेम सिनेरियो रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लिखना है, माइनस लगाना है क्योंकि टोटल दे ही नहीं रखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब आपको यह देखना है कि अंतर कितने समय का हुआ। अगर आप एक 12 बजे से एक बार लेट हो गए और एक बार आप जल्दी हो गए, तो ये वाला समय क्या हो जाएगा, समय की सीमा बढ़ जाएगी, मतलब जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। सो टाइम की जगह आपको बस 13 लिख देना है क्योंकि 13 मिनट का अंतर आ चुका है। 7 एक बार 7 हो गए और एक बार सॉरी 5 हो गए। तो 7 और 5 क्या लिख दोगे, यहाँ 12 लिख दोगे, 12 को डिवाइड बाय 60 जरूर कर देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार स्पीड आपकी कितनी थी, 5, और एक बार स्पीड कितनी थी, 6, और आपका आंसर यहाँ तुरंत आ जाएगा, 6 में से 5 गया, इसका मतलब डी रह जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 × 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/60 एंड दैट is your correct answer. 12 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 से 5 के, तो आंसर हो जाएगा d equal to 6 किलोमीटर एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। अभी भी क्वेश्चन बहुत बचे थे, ये वाला था, फिर कांस्टेंट टाइम था, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग करते हैं, इसमें बच्चों वाली तरीके मत करना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे, फिर तुम बोलोगे सर स्पीड में ये कर दूं 12, फिर मैं ये कर दूं, ऐसे मत करना बच्चों वाला। मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसे तुरंत हो गए, राइट। और आप संकल्प बैच के अंदर जा सकते हो, वहां भी मैं आपको सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और भी क्वेश्चन मैं एडवांस वाली जो है ना उस बैच में अब लूंगा, एडवांस वाले क्वेश्चंस, राइट। तो तुम्हारे सारा कॉम्पिटेटिव प्लेसमेंट सब कुछ हो जाएगा जो भी मैं तुमसे पढ़ाता हूँ, राइट। सो यू कैन ज्वाइन संकल्प बैच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुम चाहो तो मुझे इसका आंसर देना, राइट, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, जितने भी मेरे स्टूडेंट है ये होमवर्क, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर दे पाओगे तो मजा आ जाएगा मुझे, मजा आ जाएगा, मजा तबाही मजा आ जाएगा मुझे, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये कॉन्स्टेंट टाइम वाले हैं, राइट, तो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कांस्टेंट टाइम में क्या होगा, राइट। बट आज के लिए इतना ही रखेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करो प्रोपेयर, बिल्कुल रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर तुम लोग इतना सा मेरे लिए काम कर दो, देखो इतने एफर्ट मार रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना सा काम कर दो ना, एक इंस्टाग्राम पे एक वो लगा दो कि प्लीज फॉलो दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ ना बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, बट ये है कि हम लोग एक्टिव नहीं है अभी यूट्यूब में, तो अभी वो चैनलाइज नहीं हो पा रहा है, राइट। सो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे लगा दो, आप मेहनत करो हमारे साथ, हम बहुत मेहनत करते हैं, ट्रस्ट, मैं मेरे टीचर सारे मेहनत करते हैं, और लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड सब है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन संकल्प आल्सो। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज वैलिड फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स ओनली। इसमें नया बैच हमने स्टार्ट किया है, फटाफट हो रहा है, बेसिक से लेके सब कुछ करेंगे, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, जूनियर्स हैं, सबको बोल देना, एंड थैंक यू सो मच। ये शेयर कर दूंगा मैं, कहां शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे या ऐप में, दोनों पे शेयर मैं आपको कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और करेंगे रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सर मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया था, थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच, मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ अरेंज डेली सेशन, मैं डेली तो लूँगा बट बच्चे और चाहिए मुझे, थोड़ा सा एटलीस्ट 100, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ना बहुत मेहनत लगती है, राइट। तो आपका सपोर्ट चाहिए, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो लिख सकते हैं नीचे चैट बॉक्स में कैसा लगा सेशन, राइट, क्योंकि मेरे तरीका वो नहीं है जो नॉर्मली आप देखते हो हर इंसान का, ये सारी चीज़ें, और ये अभी बेस्ट स्टार्ट है, आप देखो तो लेवल टाइम कांस्टेंट वाले, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखो हिला के दिखा दो, मज़ा आ जाएगा अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो। और तुम इसको कहीं से भी यूट्यूब में देख लेना, उनकी सॉल्यूशन, और मैं तुम्हें समझाऊंगा ना ये क्वेश्चन, देखते आंसर आएगा ऐसे कि ये हुआ कैसे आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन है 10 सेकंड में कैसे किया, राइट, बट थोड़ी सी मेहनत आपको चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, कल इंग्लिश की एक आपके पास मैम की, शत्रु मैम की एक वीडियो आएगी, सिर्फ TCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाया है, जो कि TCS और आने वाले सबके लिए अंग्रेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन।